बोल मैडम। मेरा नाम अब्बास है, मैं बागीचा में खाना लेने जाता हूँ। ऐसा रहेगा तो कैसा चलेगा? सब भाई बहन है बेटा आप लोग? चार भाई बहन है। और अब्बा क्या है घर में? नहीं अब्बा भी नहीं है। कौन है घर में? सिर्फ अम्मी है और नानी है मेरी। अच्छा, तो कितने दिन से बेटा आपको खाना नहीं मिला? 15 दिन हो गए। 15 दिन से नहीं मिला, तो कहाँ से मिल रहा आपको खाना? कोई तो देता होगा? नहीं, वो दरगाह पे से आता है। अच्छा, दरगाह के पास से लेकर? हाँ, दरगाह पे से भट्टा। हाँ, कल सानू ने यहाँ पे भाजी बांटे थे। हाँ, तो चावल दाल नहीं रहे तो फिर भाजी क्या होगी? क्योंकि कुछ उसी में धंधा पानी करती हूँ, वो भी मेरी कारोबार बंद है। अभी मैं कैसे चल रही हूँ, चला रही हूँ, वो मेरी की मालूम है। इतना नेता रह के भी ये मुमरा में कुछ काम के नहीं है। अभी इसका कोई हल निकाले ताकि जिंदगी जीने का मकसद मिले। बस मेरी यही कहना है, हमारे चार बच्चे हैं और रूम भी भाड़े का है। कुछ अभी तक मिला नहीं ना, कुछ उससे समस्या आया कि नहीं? हमारी कुछ गाड़ी चले आ गई, तो हमारी मीठी गाड़ी फंसी हुई है। हम लोग दरगाह के पीछे से खाते हैं लोग मांग मांग। जिस तरह से यहाँ पे लोगों ने कहा कि जो दरगाह पे जो जमात की तरफ से दरगाह जमात की तरफ से जो खाना बन के बटता है वहाँ से लोग खा रहे हैं, तो इस मामले में एक रिक्वेस्ट है कि सियासत मत कीजिए। आप लोग कोशिश कीजिए कि इन लोगों को जो जरूरत है वो पूरी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। कल वो भाजी बांट के गए तो बोले इस तरह बांटने के लिए वो बोला गया, तो बोले ये हमारा वार्ड नहीं है। हमारे नजर इंडिया न्यूज में आपका। और जिस तरह से गरीब तबके के लोगों को खाने पीने की प्रॉब्लम बहुत हो गई है मुमरा में, कई सियासी पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया कि हम राशन देंगे और भाजी वगैरह तरकारी वगैरह सब्जियां दी जा रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है जब लोगों के घर में तेल चावल या दूसरी चीजें नहीं होंगी तो किस तरह से पकाएंगे वो राशन। और यही मामला लिए हम आ जाए कैलाश नगर में, जो कि दरगाह गली के पीछे मौजूद है। यहाँ पे ये पूरी आबादी है पहाड़ तक के, ये आसपास आप देख सकते हैं पूरी, यहाँ से कई सारे घर हैं इसमें। और देख रहे हैं ये पूरे परिवार हमारे सामने खड़े हुए हैं जिनके पास इस वक्त खाने के लिए काफी तकलीफ हो गई है, इनके घर में राशन की काफी तकलीफ हो रही है। जहां जहां हमें पता चल रहा है मुमरा में, हम आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं। और इसके साथ ही उन सभी लोगों से हमारी अपील है, उन सभी एनजीओ से अपील है कि बड़ा मेहरबानी आप इस बात का ख्याल रखिए कि कहीं कोई भूखा ना रह जाए। हमारे साथ यहाँ पे कुछ हमारी बहनें मौजूद हैं जो बात करेंगे इनके साथ में। देखिए बच्चे भी है छोटे छोटे जी, क्या नाम आपका? शहजादी। क्या मसला है आपके साथ? मतलब घर में कुछ राशन भी नहीं है, कोई कुछ देता भी नहीं है, कोई आता भी नहीं है, पूछता भी नहीं है। और ऐसा कोई मतलब कोई तकलीफ होगी तो बस टाइम पे कोई आएगा, मतलब इलेक्शन का टाइम पे ऐसा आके कोई पूछेगा तो बस उतना ही, उसके बाद में कोई आके झांकता भी नहीं हमारे पास में। इस वक्त कितने दिन से आपको कुछ मिला नहीं है? कितना वक्त? जब से कोरोना चालू है जब से अभी तक हमको कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं, कुछ मिला, भी नहीं मिला। से कुछ भी नहीं मिला, लॉकडाउन के बाद में कुछ भी नहीं मिला, 15 दिन हो गए कुछ नहीं मिला। तो आसपास की गलियों में बट रहा है, जिस तरह से यहाँ के नगर सेवक अश्य पटान चालू ने कहा था, आजाद नगर और शिवाजी नगर बट रहा है। इधर पे नहीं, इधर पे नहीं, हाँ इधर नहीं बता, आजाद नगर शिवाजी नगर बताए, इधर कोई नहीं आया। आप लोगों ने जब उनसे कहा कि मतलब कुछ चाहिए, आपने कांटेक्ट किया उनसे? नहीं कांटेक्ट नहीं किया हम लोगों ने, क्योंकि हमारा वार्ड नहीं है। बोलते अच्छा उनका वार्ड नहीं है, इस तरह कहा उन्होंने? उन्होंने नहीं बोले, कल वो भाजी बांट के गए तो बोले इस तरह बांटने के लिए वो बोला गया, तो बोले ये हमारा वार्ड नहीं है। किसने कहा ये? अभी मैं किसका नाम बताऊँ? वो बोले मैं गई थी उधर, जो शानू भाई के जो कार्यकर्ता है उनकी साइड, उन्होंने कहा वो आदमी लोग है ना, उधर बोले की हमारे एरिया में नहीं है, तुम्हारे एरिया में जम्मू देगा, जम्मू को बोल दे जाके। मतलब तब से कुछ नहीं हुआ? कुछ आया ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं हमको, देखने नहीं आता है। छोटे छोटे बच्चे लेके इधर तड़प रहे, रो रहे हैं, बाहर भी निकलने को नहीं मिल रहा है, बाहर निकलो तो मार खाओ, यही तो हो रहा है। अभी छोटे छोटे दो महीने का चार महीने का बच्चे लेके किधर जाएंगे? क्या उनको दूध मांगता है, राशन मांगता है, खाने को मांगता है, कहाँ से ला के देंगे? तो यही सबसे बड़ी परेशानी है यहाँ पर, यही सबसे बड़ी परेशानी हो गई है। परेशानी यही है कि गरीब परिवार जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि बाहर अगर निकलते हैं तो डबल दामों में सामान मिल रहा है। और दूसरा ये कि पुलिस अपनी जो कानून के हिसाब से काम करे उन्हें निकलने नहीं दे रही। जी बोलिए बोलिए, क्या बोलिए? क्या खाएंगे क्या पिएंगे हम लोग? बच्चे लोग छोटे छोटे ऐसे भूखे पड़े हुए हैं, आदमी घर में पड़े हैं। कितना कितना दिन हो गया? अरे हो गया 15-20 दिन बंदी होके, फिर कहाँ जाएंगे? पकड़ पकड़ के मार रहे पुलिस लोग। क्या से वही है, 10 तारीख के बाद से इधर कोई दाखने दाखने नहीं आए। हमारे किसी की फुर्सत नहीं कि हमारा हालचाल लेगा, आके के जिंदे क्या मरे, ये सब मेरी जान खाते और मैं बुरी बनती हूँ। तो जिस तरह से आपने देखा कि ये पूरा मोहल्ला आज जो सबसे ज्यादा होती है घर की जो पिलर्स होती है खातून,
जो घर की महिलाएं होती है घरेलू काम करने वाले, आज वही सबसे ज्यादा परेशान है। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बच्चे भी है कई सारे, दिखाई आप कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये कहाँ जा रहे हैं कि हमारा वार्ड नहीं है। तो ये अब ये वार्ड की बात नहीं रह गई है, ना हिंदू या मुसलमान की बात रह गई। जो लोग भी एनजीओस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो नेता या एनजीओ या लीडर जो भी काम कर रहे हैं इस मौके पे, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन आपसे एक विनती है कि बड़ा मेहरबानी आप इस तरफ आइए, ऐसे लोगों का ख्याल रखिए, क्योंकि इन्हें इस वक्त सबसे ज्यादा अपने परिवार की फिक्र है। और इसी बात में हम अपनी बात खत्म करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अब्बास है, मैं बाकीजा में खाना लेने जाता हूँ, ऐसा रहेगा तो कैसा चलेगा। सब भाई बहन है बेटा, चार भाई बहन है। और अब्बा क्या है घर में? नहीं अब्बा भी नहीं है। कौन है घर में? सिर्फ अम्मी है और नानी है मेरी। अच्छा, तो कितने दिन से बेटा आपको खाना नहीं मिला? 15 दिन हो गए। 15 दिन से नहीं मिला, तो कहाँ से मिल रहा आपको खाना? कोई तो देता होगा? नहीं, वो दरगाह पे से आता है। अच्छा, दरगाह के पास से लेकर? हाँ, दरगाह पे से बटता है। कल सानू ने यहाँ पे भाजी बांटे थे। हाँ, तो चावल दाल नहीं रहे तो सिर्फ भाजी क्या हो गई। अच्छा अच्छा, आपके अम्मी है? हाँ मेरी अम्मी है। नमस्कार, आप लोग की रिक्वेस्ट है कि ट्रेन जो बंद है, जो भी महिला परेशान है, जो हमारे आदमी नहीं है, मैं अपनी समस्या बता रही हूँ, हमारे आदमी नहीं है, चार बच्चे हैं, सिलाई करके कुछ उसी में धंधा पानी करती हूँ, वो भी मेरी कारोबार बंद है, अभी मैं कैसे चल रही हूँ चला रही हूँ वो मेरी की मालूम है। इतना नेता रह के भी ये मुमरा में कुछ काम के नहीं है, अभी इसका कोई हल निकाले ताकि जिंदगी जीने का मकसद मिले। बस मेरी यही कहना है, हमारे चार बच्चे है और रूम भी भाड़े का है, कुछ अभी तक मिला नहीं, ना कुछ उससे समस्या आया कि नहीं, हमारी कुछ गाड़ी चले आ गई, तो हमारी मेरी गाड़ी फंसी हुई है। हम लोग दरगाह के पीछे से खाते हैं लोग मांग मांग। जिस तरह से यहाँ पे लोगों ने कहा कि जो दरगाह पे जो जमात की तरफ से, दरगाह जमात की तरफ से जो खाना बन के बटता है वहाँ से लोग खा रहे हैं, तो इस मामले में एक रिक्वेस्ट है कि सियासत मत कीजिए, आप लोग कोशिश कीजिए कि इन लोगों को जो जरूरत है वो पूरी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।